तात्कालिक प्रवृत्तियों में बहुत कुछ पा लेने की जो एक एक प्रवृत्ति आई है ये अच्छी नहीं है। यशोदा ने कहा बांट दो सब जो कुछ है, जो सब कुछ है, इतना अधिक वृद्धि, क्योंकि धर्म आएगा तो वृद्धि होगी, धर्म आएगा तो पदार्थ बढ़ेंगे और अनायास इन्हें बढ़ने की आदत है। प्रकृति में हर चीज को बढ़ने की आदत है, जानते हो, कूड़े को भी, करकट को भी, धूल को भी। इसलिए भारत का एक पहला जो संस्कार है वो बुहारी लेने का है, झाड़ू लेने का है। अब तो यांत्रिक झाड़ूएं आ गई हैं, अब तो अलग प्रकार के क्लीनर सिस्टम्स आ गया, घर को क्लीन करने के लिए अलग 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 तरीके के अप्रेटिस हैं, अलग अलग मशीनें हैं कि किस तरह से वो धूल और अन्य चीजों को इकट्ठा कर लेंगी। लेकिन हाँ, ये दशम स्कंद की इस कथा में हम चलें, इससे पहले शुद्धि के लिए बात आती है कि जो चीजें थी बट गई, चूंकि अभिमान आ गया था। अभिमान नहीं आना चाहिए, वो साधना की सबसे बड़ी बाधा है। और ये जो कर्तापन का अभिमान है, ज्ञान जप तप का अभिमान है, साधन नियम व्रत का अभिमान है, ये तो महाअभिमान है। इसको अभिमान नहीं कहते, ये तो महाअभिमान है। साधन का अभिमान, व्रत का अभिमान, जब केवल कोरा शरीर तपता है तब उसके साथ अभिमान भी बढ़ता है। आप कोई व्रत कर रहे हैं और केवल कोरा शरीर तपा रहे हैं और आपका मन नहीं तपाए, इंद्रियां संयत नहीं हुई है, बुद्धि में प्रकाश नहीं आया है और बिना विवेक के तप कर रहे हैं, तो केवल कोरा शरीर तपेगा और एक अहंकार भी आएगा आपने। तप के साथ इंद्रियां भी तपे, मन भी तपे, एक बौद्धिक भी ताप आप में आना चाहिए, बौद्धिक तप। ब्रह्म ज्ञान उसी को कहते हैं, ब्रह्म सत्र ब्रह्म यज्ञ उसी को कहते हैं जिसमें आप भी तप रहे होते हैं।